गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं घनश्याम कुमार वर्तमान में सीबीआईसी के इंस्पेक्टर पोस्ट पे कार्यरत हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे विकास कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में अपने अनुभव को साझा करने का मौका मिला है। मैं विकास कोचिंग इंस्टीट्यूट वर्ष 2011 में ज्वाइन किया जब इसकी शुरुआत हुई थी और मैं भी अपनी बेसिक्स पढ़ाई पूरी करके कम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख रहा था पर रिजल्ट्स नहीं हो रहे थे। कुछ दिन क्लासेस करने के बाद एक दिन विकास सर मुझे पर्सनली बात करने के लिए बुलाए और मुझे बताया कि आपकी तैयारी तो है पर आपका स्पीड और एक्यूरेसी अच्छा नहीं होने के वजह से वो आपके हार्ड वर्क से है रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। सो मैंने बार बार मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया और स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काम किया। परिणाम स्वरूप 2011-2012 में भी मेरे रिजल्ट्स हुए और उसके बाद तो सतत प्रयास और उन मूल मंत्रों को लगातार प्रैक्टिस करने के वजह से मैं बहुत सारे रिजल्ट से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बैंक्स के एग्जाम्स क्लियर किए। साथ ही साथ मैं एक चीज़ आप सबको और बताना चाहूँगा कि विकास कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे मैंने ये सीखा कि जब आप किसी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं सपोज आप SSC के ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप जो है SSC के और उसी समकक्ष के जितने भी एग्जाम्स हैं जैसे आपका CPO का एग्जाम है, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है एक FCI के लिए भी एग्जाम कंडक्ट करती हैं तो उनके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी ध्यान में रखें, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और विकास कोचिंग इंस्टीट्यूट तो आपको मार्गदर्शन करने के लिए है ही, विकास सर तो आपको इंडिविजुअली आपके जो कमियां हैं जो खामियां हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए है ही, तो उनके बस अपने आप को उनके हवाले कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए और उनके मार्गदर्शन को पूरी तरह से आत्मसात करते हुए उनके मार्गदर्शन को फॉलो करते हुए पढ़ाई करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए और वही रिजल्ट में जो है बाद में रिफ्लेक्ट होगा आपका भी। थैंक यू।